मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। हालांकि पार्टी ने इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। अब कौन से मंत्री छोड़ेंगे पद, क्या होगी रणनीति, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी में कई दिनों से मैराथन बैठक चल रही है। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिपरिषद और पार्टी संगठन में कई फेरबदल हो सकते हैं। बीजेपी के नए तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। नवंबर में तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रेड्डी इस्तीफा देंगे। मोदी सरकार में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री रेड्डी कैबिनेट बैठक में भी शामिल नहीं हुए, इसलिए उनके इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह प्रहलाद पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक में नड्डा ने दोनों को मंत्री पद छोड़कर चुनावी मोर्चे पर उतरने के लिए तैयार रहने को कहा है। प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसे अध्यक्ष पद दिया जाएगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।